Halo. Halo. एसीआरटीसी के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेक्शन 82 पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि आपको प्रोक्रमेशन एंड अटैचमेंट यानी कि उद्घोषणा और पूर्ति के बारे में बताया जा रहा है। इसमें जो आपका कोरिलेशन था वह कल पूरी तरह से कौन कौन सेक्शन आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे उन सेक्शनों का जिक्र कल किया गया था। अब हमें 82 शुरू करना है और 82 से आपका प्री में भी क्वेश्चन बनता है और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। मेंस में आपका क्वेश्चन जो बनता है वह ये बनता है कि फरार व्यक्ति के लिए घोषणा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो आपको 82 लिखना है और 82 में आइए फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन एक एक शब्दों पर ध्यान देना है और आपका सामान्य बातें बताई गई थी। और अब आपको जो सेक्शन है 82 आपका कई टेक्निकल क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। तो एक एक शब्दों पर भी इधर आपको ध्यान देना है। देखिए एक एक क्लास और एक एक सेक्शन को मैं बता रहा हूँ। सेक्शन 82 का आपका पहला क्लास हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि सेक्शन 82 का क्लास 1। और इसमें तमाम छोटी छोटी बातें समाहित हैं जो आपको समझनी है। देखिए यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना, यानी कि यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात लेने के बाद या लेने के पूर्व, एक शब्दों पर इसे ध्यान देना है। चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या ले लिए बिना, यानी कि लेने के पूर्व, यह विश्वास करने का कारण है यानी कि रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण, यह विश्वास करने का कारण है, यानी कि क्या विश्वास करने का कारण है। अगला देखिए, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया था, यानी कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने गिरफ्तारी का वारंट इश्यू किया था, वारंट जारी किया था, मैंने कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छुपा रहा है, यानी कि जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है या तो वह व्यक्ति फरार हो गया हो या अपने को छिपा रहा, यानी कि अपने को छिपा रहा, जिससे ऐसी वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता और फरार होने के कारण या
ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने को छिपाने के कारण आपका जो वारंट है उसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है, यानी कि वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, मतलब वारंट की रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, अर्थात वारंट पर वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। तो जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था वह न्यायालय ऐसे व्यक्ति से आपका ऐसी अपेक्षा करने वाली अपेक्षा या आशा करने वाली लिखित उद्घोषणा लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है यानी कि लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा आदि, यानी कि ऐसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान पर और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होगा और जो विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होगा और वो जो डेट दी जाएगी हाजिर होने की वह उद्घोषणा के दिन के उद्घोषणा के प्रकाशन के दिन के 30 दिन के बाद की होगी। यानी कि ये आपका पहला क्लाज आपको देखना है और इस पहले क्लाज को देखने में आपका आईपीसी भी कोरिलेट करना है और आईपीसी की धारा एक और हम पढ़ेंगे, आईपीसी की धारा 174A, यानी कि आईपीसी की धारा 174A भी इसी के साथ पढ़नी है। अब देखिए आपका एक एक शब्दों को समझाया जाए जो आपका लिखा गया है। पहला शब्द है आपका कि यह किसी न्यायालय को, इसका मतलब ये हुआ कि धारा 82 के तहत फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी करने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। पुलिस अधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस शक्ति को नहीं रखते, अर्थात सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन जारी करने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है और आपका पुलिस अधिकारी इत्यादि को प्राप्त नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या उद्घोषणा जो फरार व्यक्ति के लिए की जाएगी, क्या न्यायालय साक्ष्य लेने के पश्चात करे कि साक्ष्य लिए बिना भी कर सकता है, तो साक्ष्य लेने के बाद भी कर सकता है और साक्ष्य लिए बिना भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उद्घोषणा 82 के तहत करने के लिए न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एविडेंस ले, अगर वह साक्ष्य लिए बिना भी उद्घोषणा कर देता है तो वह उद्घोषणा वैध मानी जाएगी। अगला नियम आया कि उद्घोषणा कब की जाएगी, जब न्यायालय को विश्वास करने का कारण हो, रीजन टू बिलीव। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, जिस न्यायालय को विश्वास करने का कारण हो
विश्वास करने का कारण शब्द सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 26 में परिभाषित है। 26 ये बताती है आईपीसी की धारा कि विश्वास करने का कारण मतलब पर्याप्त आधार होना, यानी कि न्यायालय का समाधान हो गया या न्यायालय को विश्वास हो गया। भाई क्या विश्वास हो गया, क्या समाधान हो गया, क्या पर्याप्त आधार है। अब आगे देखिए, यानी कि न्यायालय को यह विश्वास हो गया है या न्यायालय को विश्वास करने का कारण है, तो क्या विश्वास हो गया है, यह विश्वास हो गया है कि कोई एनी पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति, यहाँ से प्री में क्वेश्चन ज्यादा अटैक करता है, अर्थात धारा 82 के क्लार्क 1 के तहत जो प्रोक्लेमेशन जारी किया जाएगा वह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकेगा। ये क्वेश्चन आपका प्री के लिए और इंटरव्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है कि धारा 82 के क्लार्क 1 के तहत प्रोक्लेमेशन इसके विरुद्ध जारी होगा, तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति में कौन कौन शामिल हैं। यहाँ आपका व्यक्ति को तोड़ लेना है कि व्यक्ति में कौन कौन शामिल है। देखिए व्यक्ति को, जहाँ तक व्यक्ति की बात है, व्यक्ति में 3 लोग शामिल हैं। एक एक्यूज यानी कि अभियुक्त हो गया, यानी कि अभियुक्त हो गया। दूसरा विटनेस यानी कि साक्षी या गवाह, और तीसरा प्रतिभू हो गया जो गारंटर या जो सियोरिटी लिया है या प्रतिभू। फिर एक बार इसको देखिए, ज़्यादा चांस रहता है फ्री में पूछने का और कम ही लोग सही कर पाते हैं। किसी व्यक्ति शब्द लिखा है, किसी व्यक्ति का मतलब कि 82 की धारा 82 का क्लॉज 1 केवल अभियुक्त के लिए नहीं बना है, बल्कि किसी व्यक्ति के लिए बना है, एनी पर्सन के लिए बना है, और व्यक्ति में अभियुक्त भी आ जाएगा, व्यक्ति में विटनेस या साक्षी भी आ जाएंगे, या व्यक्ति में प्रतिभू भी आ जाएगा, अर्थात 82 के क्लॉज 1 के तहत खराब व्यक्ति के लिए जो घोषणा की जाएगी वह इन तीनों के विरुद्ध की जा सकती है, यानी कि अभियुक्त के भी विरुद्ध, साक्षी के भी विरुद्ध और प्रतिभू के भी विरुद्ध। ये फिर बता दिया जाए, ये क्वेश्चन काफी टेक्निकल बनता है, इसको जरूर याद रखिए। व्यक्ति का हमने मतलब बताया, अब आइए कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट इशू किया गया, यानी कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ से भी आपका प्री में भी क्वेश्चन बनता है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उद्घोषणा की पूर्ववर्ती शर्त ये है कि वह न्यायालय जो उद्घोषणा कर रहा है, उद्घोषणा करने के पूर्व वह उस व्यक्ति के गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, यानी कि पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा और उसके बाद ही प्रोक्लेमेशन जारी किया जाए। गिरफ्तारी का वारंट और उद्घोषणा का आदेश एक साथ नहीं दिया जा सकता,
यानी कि किरक बारिश को समझने पूछा भी जाता है कि गिरफ्तारी का वारंट और घोषणा का आदेश एक साथ नहीं दिया जा सकता, अलग अलग दिया जाएगा। पहले आपका गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा, उसके बाद ही घोषणा की जाए। लेकिन गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के बाद प्रोक्लेमेशन जो किया जाएगा उसके लिए भी कुछ आधार है, तो यहाँ क्वेश्चन का मॉडल बता दिया जाए कि उद्घोषणा किस पर डिपेंड करती है, उद्घोषणा किस पर निर्भर करती है। अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो उद्घोषणा गिरफ्तारी के वारंट पर निर्भर करती है, यानी कि जब तक गिरफ्तारी का वारंट जारी न कर दिया जाए तब तक उद्घोषणा जारी नहीं की जा सकती और दोनों आदेश एक साथ नहीं दिए जा सकते। सबसे पहले गिरफ्तारी का वारंट, उसके बाद ही उद्घोषणा की जा सके। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, फिर एक बार हम बता दें उद्घोषणा किस पर डिपेंड करती है, प्रोक्लेमेशन किस पर निर्भर करता है, तो आपका जवाब रहेगा गिरफ्तारी के वारंट। तो क्या गिरफ्तारी के वारंट के बाद उद्घोषणा की जा सकती है? तो की जा सकती है, लेकिन न्यायालय को यह बिलीव हो जाए, अब आगे क्या बिलीव हो जाए कि न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, आपका वारंट जारी किया गया है, या तो वह व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। यानी कि उद्घोषणा जारी करने की शर्त ये है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध पहले गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है वह व्यक्ति या तो फरार हो गया है, भाग गया है, या अपने को छिपा रहा है, और इसके कारण सर नमस्कार। हाँ मैं हमसे अभी प्राप्त व्यस्त हैं सर, परेशान भी हैं, तो अभी तक फोन किए थे हमसे एक बार आप मुझे व्यस्त हैं क्या सैनिटाइजर चाहिए था, सैनिटाइजर के लिए किए थे। हाँ तो ठीक है ना, हाँ एक दिन और रखिए सर जब तक पूरी तरह स्वस्थ न हो। हाँ ना मैं कोई कमी हो तो उसको दूर किया गया सर, बहुत खतरा है। नहीं नहीं ठीक है, चलिए सर बहुत सब ठीक है ना, चलिए फिर बात करिए। देखिए आपका किस व्यक्ति के विरुद्ध उसने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, अब ये न्यायालय को विश्वास होना चाहिए कि वह व्यक्ति या तो फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। केवल इतना ही विश्वास न्यायालय को न हो कि वह व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, बल्कि ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि न्यायालय को ये भी विश्वास होना चाहिए, न्यायालय को ये भी देखना चाहिए कि इसके फरार होने के कारण या छिप जाने के कारण न्यायालय ने जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था उसका निष्पादन नहीं हो सका है। ये भी यहाँ भी क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन यहाँ भी बना है कि उद्घोषणा कब की जाएगी, तो सतर्क रहिए जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन न हो सका हो, इसका मतलब ये हुआ
कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हुआ कि वारंट का निष्पादन नहीं हुआ हो। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था या तो वह फरार हो गया या अपने को छिपा लिया। तो ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है कि आपका घोषणा कब, जबकि गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन न हो सका। ये न्यायालय का कर्तव्य है कि वह देखे कि क्या फरार होने के कारण या ऐसे व्यक्ति के छिप जाने के कारण गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन नहीं हो सका है। अगर नहीं हो सका है तब न्यायालय उद्घोषणा जारी करे। अगला देखिए, वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सका है तो ऐसा न्यायालय का मतलब ये हुआ कि जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया तब ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली, उससे यह अपेक्षा करने वाली का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति से अपेक्षा करने वाली जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। रिटेन यानी कि जब भी उद्घोषणा होगी वह मौखिक नहीं होगी बल्कि लिखित होगी और उस प्रोक्लेमेशन का प्रकाशन होगा और लिखित उद्घोषणा यानी कि फरार व्यक्ति के लिए लिखित उद्घोषणा करना करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शब्द लिखा है कि न्यायालय चाहे तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। कर सकता है मतलब मैं हुआ और मैं का मतलब ये हुआ कि न्यायालय का विवेकाधिकार है, चाहे वह उद्घोषणा प्रकाशित करे लेकिन या उद्घोषणा करने से इनकार कर। अर्थात उद्घोषणा जारी किया जाना फरार व्यक्ति के लिए न्यायालय बात नहीं है बल्कि उसका विवेकाधिकार। उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति मतलब कि जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, चाहे वह अभियुक्त हो, चाहे गवाह हो और चाहे जमानतदार या प्रतिनिधि। अगला देखिए कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में, स्पेसिफिक प्लेस में, विनिर्दिष्ट मतलब निश्चित स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो मैंने कि जो उद्घोषणा होगी उसमें निश्चित स्थान दिया रहेगा और निश्चित समय दिया रहेगा और न्यायालय यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करेगा कि ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में दिए गए प्लेस यानी कि स्थान पर और उद्घोषणा में दिए गए समय पर, यानी उद्घोषणा में समय का भी निश्चित समय का उल्लेख करेगा, समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा हाजिर, यानी कि जो समय दिया जाएगा हाजिर होने का वह उद्घोषणा के प्रकाशन के कम से कम 30 दिन बाद का ही हो। इसके ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है।
जो समय दिया जाएगा आपका उद्घोषणा में वह उद्घोषणा के प्रकाशन सब पकड़िए प्रकाशन उद्घोषणा के प्रकाशन उद्घोषणा के प्रकाशन के 30 दिन के बाद का होगा। अब यानी दो तीन पॉइंट आपको समझना है, दो तीन पॉइंट ये समझना है कि एक उदाहरण से हम समझाते हैं और उदाहरण से एक समझाया जाए वाले के नियम समझ लीजिए। यदि हाजिर होने का समय 30 दिन के बाद का न होकर 30 दिन या 30 दिन से कम का है तो वह जो उद्घोषणा होगी वह वैध नहीं होगी बल्कि अवैध होगी। फिर एक बार देखिए, यदि जो समय निश्चित किया गया है वह आपका 30 दिन या उससे कम है तो ये उद्घोषणा की कार्यवाही ही अवैध होगी, क्योंकि आपका ये कानून का उल्लंघन करके उद्घोषणा की गई मानी जाएगी। दूसरा नियम आपको ये देखना है कि जो समय लगाया गया है न्यायालय द्वारा 30 दिन के बाद का, अगर उस समय पर या उस समय के अंदर अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो अभियुक्त एक नया अपराध करता है, अर्थात अभियुक्त अर्थात ऐसे व्यक्ति द्वारा एक नया अपराध कर दिया गया और ऐसा अपराध आईपीसी की धारा 174 ए के तहत दंडनीय हो। फिर एक बार देखिए, जो 30 दिन के बाद का समय दिया गया है हाजिर होने का, अगर उस समय के अंदर ऐसा व्यक्ति हाजिर नहीं होता न्यायालय में तो ऐसे व्यक्ति ने एक नया अपराध कर दिया है और वह अपराध आपका आएगा आईपीसी की धारा 174 ए के तहत, जिसमें 174 ए के तहत ऐसे व्यक्ति को जो सजा मिलेगी अलग अपराध के लिए अब वह सजा है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। यानी कि अब ऐसा व्यक्ति एक नया अपराध कर दिया है और ऐसे व्यक्ति को अब जो सजा मिलेगी अलग अपराध के लिए वह 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब जो 30 दिन का नियम है इसको एक उदाहरण द्वारा देखा है। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2021 को उद्घोषणा प्रकाशित की है तो जो हाजिर होने का समय उसे दिया जाएगा वह मान लीजिए कि 10 फरवरी 2021 को दिया गया। 10 फरवरी 2021 या इसके पहले वह व्यक्ति न्यायालय में हाजिर हो जाए या अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर दी गई है, उद्घोषणा का प्रकाशन 1 जनवरी को किया गया, तो ये हमें देखना है कि 1 जनवरी से लेकर और 10 फरवरी के बीच का जो समय है क्या ये समय 30 दिन के बाद का है कि नहीं, निश्चित तौर पर है। अब अगर 10 फरवरी तक ऐसा व्यक्ति हाजिर नहीं होता तो ऐसी दशा में वह एक नया अपराध करता है और वह अपराध किस धारा के तहत दंडनीय है तो आईपीसी की धारा 174 ए के तहत। अब 30 दिन का नियम क्या है इसी के साथ आपका जब 30 दिन का नियम पढ़िएगा तो आपका तुरंत एक सेक्शन और पढ़ना है
85, ये जो 30 दिन के बाद का समय दिया गया है, इसी के साथ हल्का सा कोरिलेट करिएगा आपका 85 सेक्शन। अगर जो समय उद्घोषणा में दिया गया है, अगर उस समय के अंदर ऐसा व्यक्ति हाजिर हो जाता है, तो ऐसी दशा में अगर इस बीच उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई है, उसकी संपत्ति अटैच कर ली गई है, तो वह संपत्ति कुर्की से रिलीज कर दी जाएगी, निर्मुक्त कर दी जाएगी, यानी कि कुर्की से छोड़ दी जाएगी, यानी कि निर्मुक्त कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी और कोई कारण उससे पूछा नहीं जाएगा। यानी कि बिना किसी कारण के पूछे अगर वह समय के अंदर आ गया और इस बीच उसकी संपत्ति अटैच हो चुकी है, तो संपत्ति को न्यायालय बिना किसी रीजन पूछे मुक्त कर देगा, रिलीज कर देगा, निर्मुक्त कर देगा। अगला क्लास देखिए आपका 15, चूंकि काफी टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, अतः एक-एक शब्दों को बताया गया, कोरिलेट करके भी बताया गया। अब आगे देखा जाए धारा 82 का क्लास 2 देखिए, सेक्शन 82 का क्लास 2 उद्घोषणा के प्रकाशन से संबंधित, यानी कि पब्लिश किया जाए, यानी कि प्रकाशन किया जाए, उद्घोषणा को पब्लिश किया जाएगा, तो उद्घोषणा को कैसे पब्लिश किया जाएगा, इस बात का उल्लेख आपका सेक्शन 82 के क्लास 2 में किया गया। देखिए सब सब उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी, फर्स्ट आपका और सेकंड दो आपका उपखंड है, फर्स्ट उपखंड में 3, फिर आपका दिए गए हैं उपक्लास और सेकंड, यानी कि क्लास 2 में आपका 2 खंड है, हम फर्स्ट खंड चल रहे हैं, फर्स्ट खंड में ये देखिए उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी, वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाए। इसका मतलब ये होता है किसी को मुनादी भी कहा जाता है, मुनादी हो गई मतलब कि आपका कोई न्यायालय का अधिकारी या पुलिस अधिकारी गया और जिस जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, वहां उसके सहदृश्य स्थान में, सहदृश्य स्थान का मतलब कि जहां और लोग भी सुन सकें, देख सकें, तो सामान्यतः उसके दरवाजे के आगे खड़ा हो जाया जाएगा और लाउडस्पीकर से या ऐसे ही मुनादी की जाएगी और जो उद्घोषणा हुई है उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, इसलिए सुनाया जाएगा ताकि वह व्यक्ति तो है नहीं घर में, तो आस पास के लोग भी ये जान सके कि ये फरार हो गया है और इसके खिलाफ फरारी की उद्घोषणा की गई है न्यायालय द्वारा। दूसरा देखिए इसी में, वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी, यानी कि पहला हो गया पढ़कर और दूसरा हो गया चस्पा करके। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति या जिसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई मामूली तौर पे
जहाँ उसका गृह है या वास स्थान है वहाँ उसके सहदृश भाग पर एक उद्घोषणा की एक प्रति चस्पा कर दी जाएगी। सहदृश स्थान का मतलब कि जो आने जाने में आप लोगों को दिखाई दे, यानी कि दरवाजे पर या दरवाजे के बगल में चस्पा कर दी जाएगी ताकि आम जनता भी देख सके। तीसरा, उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहदृश भाग पर लगाई जाएगी, यानी कि न्यायालय का जो नोटिस बोर्ड होता है उस घोषणा की एक कापी न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी जाएगी। तो बस तीन बातें इसमें हैं, तीनों ऐसे याद रखना है। पहला, घोषणा कैसे प्रकाशित होगी, तो पहला पढ़कर सुना दीजिए, दूसरा चस्पा कर दीजिए, और तीसरा क्या काम करिए कि न्याय सदन पर उसकी एक प्रति चस्पा कर दीजिए। ये तीनों उपाय करने ही होंगे, इसमें वैकल्पिक नहीं है। ये तीनों तरीके एक साथ अपनाए जाएंगे और तीनों तरीकों का पालन किया जाना आवश्यक। जहाँ तक क्लास सेकंड की बात है, आपका खंड दो का क्लास सेकंड, ये वैकल्पिक है। चाहे तो न्यायालय इस रित को अपनाए या चाहे तो ना अपनाए। देखिए क्या करता है, यदि न्यायालय ठीक समझता है, ठीक समझे मैंने उचित समझे, तो वह निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचारित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहाँ ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रिया अपनाना प्रकाशन की बाध्यकारी नहीं है, ये न्यायालय का विवेकाधिकार है। यदि न्यायालय उचित समझे तो ऐसी दशा में उस उद्घोषणा की एक प्रति जहाँ ऐसा उद्घोषित व्यक्ति मामूली तौर पे निवास करता है, उसके भाई निवास करता है जो दैनिक समाचार पत्र है, दैनिक यानी कि जैसा समाचार पत्र जो डेली निकलता है उस एरिया में, ये न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा का जो मामला है, प्रकाशन है, वह समाचार पत्र में भी ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाए। इसके बाद क्लास तीन आई है। क्लास तीन आपका कह सकते हैं कि साथ संबंधी नियम दिया गया है, उपधारणा से संबंधित नियम है, प्रियम्सन से संबंधित नियम है, अनुमान से संबंधित नियम है। देखिए क्या नियम है, उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन की उद्घोषणा में निर्दिष्ट दिन उपधारा दो के खंड फर्स्ट में विनिर्दिष्ट दिन से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई। यानी कि यदि न्यायालय यह लिखित कथन कर दे कि उद्घोषणा के निर्दिष्ट रूप से आपका प्रकाशित कर दी गई है, तो यह इस बात का अकाट्य तर्क होगा, निर्विवाद प्रमाण होगा, कंक्लूजिव प्रूफ होगा कि जो भी उद्घोषणा प्रकाश उद्घोषणा की आपका कह सकते हैं कि अपेक्षाएं थी, वे सारी अपेक्षाएं या सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई हैं,
यानी कि कोई फार्मेलिटी बची नहीं। आइए क्लास चार और पाँच देखा जाए। क्लास फोर और फाइव जो है ये सन 2005 में जोड़ा गया और 26/6/2006 से लागू है, यानी नहीं 23/6/2006 से लागू है, यानी कि 23 जून 2006 से ये दोनों क्लास लागू किए। जहाँ तक क्लास फोर की बात है, क्लास फोर में पहले आप सामान्य बातें समझिए तब और चीज़ें बताई जाए। जहाँ तक क्लास फोर की बात है, क्लास फोर में जो प्रोफॉर्मुलेशन होता है वह सबके लिए नहीं होता। पहली बात याद रखिए, जो था क्लास फोर में जो प्रोफॉर्मुलेशन होगा वह केवल और केवल अभियुक्त के लिए होगा। तीसरी बात आपको गौर करनी है कि क्लास फोर में जो उद्घोषणा होगी वह सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नहीं होगी। 19 अपराध दिए गए हैं और उन 19 अपराध को करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध ही उद्घोषणा की जाए। ये उद्घोषणा भी वैसे ही प्रकाशित होगी जैसे कि पहली उद्घोषणा हुई थी। इस उद्घोषणा में भी हाजिर होने के लिए 30 दिन के बाद का समय दिया जाएगा, लेकिन इस उद्घोषणा के तहत अगर ऐसा व्यक्ति समय के अंत ऐसा अभियुक्त व्यक्ति यहाँ अभियुक्त ऐसा अभियुक्त समय के अंदर हाजिर नहीं होता तो न्यायालय आप तब ऐसी दशा में न्यायालय ऐसे अभियुक्त को उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है, यानी कि उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है। फिर आपका यदि खंड चार के तहत उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर ऐसा अभियुक्त एपीआर कोर्ट में नहीं होता तो वह आईपीसी की धारा 174A के तहत दंड का भागी होगा और जो दंड की मात्रा होगी वह होगी आपका 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। देखिए क्लास चार की सामान्य बातें बताई गई, अब क्लास चार शुरू किया जाए। जहाँ उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा आपका इंटरव्यू के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, एंट्री के लिए भी धारा AB2 का क्लास 4 अवश्य देखिएगा, यानी कि जहाँ की धारा AB2(1) के तहत जो तो AB1 के तहत पहली उद्घोषणा की जाती थी ये आपका किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जहाँ धारा AB2(1) के तहत जारी की गई उद्घोषणा ये 19 गंभीर अपराध दिए गए हैं, ये 19 गंभीर अपराध दिए गए और इस अपराध को करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी की गई, यानी कि 19 गंभीर अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध के निरंकार गए। जहाँ उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा आईपीसी की धारा 302, 304, 364 यानी कि निरंकार गए। जहाँ उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा आईपीसी का सेक्शन 302, 304,
364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459, 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होने में असफल रहता है। यानी कि यज्ञ व्यासी वन वाली उद्घोषणा इन 19 गंभीर अपराधों में से किसी एक को करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध है और वह अभियुक्त आपका कह सकते हैं कि जो 30 दिन के बाद का समय दिया गया है उस समय के अंदर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है और उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। यानी कि अब दूसरी बार उद्घोषणा की जा सकती है लेकिन दूसरी बार उद्घोषणा करने के लिए न्यायालय बाध्य और दूसरी बार उद्घोषणा की जाएगी तो पहली बार जो उद्घोषणा के नियम हैं सब प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। यानी उद्घोषणा लिखित होगी कि 3 दिन के बाद का समय दिया जाएगा उद्घोषणा का प्रकाशन होगा और अगर दूसरी बार की गई उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर ऐसा अभियुक्त अभ्यर्थ न कहिएगा यहाँ अभियुक्त ऐसा अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो वह एक नया अपराध और कर दिया और वह अपराध आईपीसी की धारा 174 ए के तहत किया जिसमें सजा अब 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। खंड 5 देखिए उपधारा 2 और 3 के उपबंध उपधारा 4 के अधीन की गई उद्घोषणा के प्रकाशन में लागू होंगे तो पहले ही बता दिया गया कि जो प्रकाशन का नियम है क्लास 2 और क्लास 3 में दूसरी बार उद्घोषणा सेम तरीके से आपका प्रकाशित की जाए। इस प्रकार आपका सीआरटीसी की धारा के बिंदु बताई गई तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा तब आईपीसी चलेंगे 15 मिनट।